So hey guys, what's up? It's your boy Aryan back again with a new video. So guys, आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता ही लगा चुके होंगे ये वीडियो किसके बारे में. तो ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने हेयर्स को स्टाइलिश कर सकते हो विदाउट एनी वैक्स, विदाउट एनी हेयर स्प्रे एंड विदाउट एनी ड्रायर. तो मैं आज मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं अपने हेयर्स को कैसे स्टाइलिश करता हूँ वो प्रोडक्ट यूज नहीं करके, वो हेयर ड्रायर वैक्स. आप मैं प्रोडक्ट बोला मतलब ये मत समझ लेना कि मैं ऑयल नहीं लगाता हूँ, ऑयल लगाता हूँ, बट समझा करो कि मैं वो हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे वो सब यूज नहीं करता हूँ, फिर भी मैं अपने बालों को स्टाइलिश करता हूँ कैसे. तो आज मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं कैसे स्टाइलिश करता हूँ, क्या करता हूँ उसके लिए. तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको आपके बालों को स्टाइलिश करना है देन आप देख सकते हो. एंड और एक चीज है, अगर आप लोग आपके हेयर स्प्रे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, मतलब हेयर वैक्स यूज कर रहे हो, हेयर स्प्रे, हेयर ड्रायर, भाई पांच साल के बाद आप लोग टकला होने वाले हो सही में. तो ये वीडियो को देखते रहो एंड मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे हेयर स्टाइल कर सकते हो. एंड सो भाई, तो चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो के ऊपर चलते हैं. सो गाइस, आप जब नहा के आते हो तब आपके बाल वेट रहते हैं, तो मैं अभी अपने बाल को वेट करके आ गया, पानी लगा के आ गया. तो सबसे पहली चीज है कि आप आपके बाल ऐसे टॉवल से सुखाओ, आराम से सुखाना एंड पूरा सुखाओ, जितना हो सके उतना सुखाओ. तो पहले सुखाते हैं एंड उसके बाद क्या करना है आपको मैं बताऊंगा सब कुछ. उसको भाई आराम से सुखाओ. सो गाइस, मेरे बाल अभी सूख चुके हैं एंड ये देखो अभी मेरे बाल खड़े नहीं हो रहे, देखो अभी इतने भी खड़े नहीं हो रहे, ना खड़ा होना चाहिए एंड वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है. तो अब हम करेंगे ऑयल यूज़ करेंगे, बस दो ड्रॉप यूज़ करो या एक ड्रॉप, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल यूज़ करोगे देन आपके बालों में वो वॉल्यूम नहीं आएगा. तो हम ऑयल यूज़ करते हैं, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ बट आज ख़त्म हो गया है तो वो नहीं है घर में, तो आज दूसरा ऑयल यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ. सो गाइस, थोड़ा सा लगाना एंड सो गाइस, मैं अभी अपने बालों पे ऑयल लगा चुका हूँ एंड अभी आपको एक हेयर बैंड लेना है या वो बैंड कहीं पे भी मिल जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ टाइप का बैंड होता है तो मतलब स्पोर्ट्स दुकान में तो हेयर बैंड अगर बोलोगे तो वो दे देंगे. ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है इसका, 6200 रुपीज़ रहता है, तो इसको ले सकते हो यार, सही में आपका इससे बाल कुछ नहीं होते एंड ये ले सकते हो. तो इसको आपको बस यहाँ पे ऐसे लगाना है देन आपको जिस तरफ आप मतलब कॉम करते हो, मतलब मैं इस तरफ करता हूँ तो इसको ओपोजिट साइड में करना है आपको, ताकि आपके बाल खड़े रहें एंड वॉल्यूम आए थोड़ा. तो ओपोजिट साइड करना है देन इसको ऐसे रख देना है, समझ रहे हो? एकदम से डिस्को डांसर लग रहा हूँ बट ऐसे ही मैं करता हूँ. एंड और एक चीज, अगर आपके पास ये हेयर बैंड नहीं है देन आप ये कैप का भी यूज कर सकते हो, ऐसे ऑपोजिट साइड में इसको रखना है बालों को देन ये कैप यूज कर सकते हो, ऐसे समझ रहे? तो कैप यूज करो एंड के बाल देखना, फिर कुछ टाइम रखने के बाद इसको फिर दूसरे साइड कर दो, जिस साइड से आप रखते हो अपने बालों को. आपके बाल ठीक से सेट नहीं हो रहे हैं देन आप थोड़ा ऑयल लगा सकते हो, जैसे मैं लगाया अभी, तो देख सकते हो मेरे बाल अभी सेट हो चुके हैं एंड
सो गाइस देख सकते हो मेरे बाल अभी सेट हो चुके हैं एंड सो गाइस देख सकते हो मेरे बाल अभी सेट हो चुके हैं एंड मैं बस ऑयल यूज किया हूँ एंड वो बैंड एंड वो क्या था वो पानी थोड़ा यूज किया है बालों पे एंड स्टाइलिश हो चुके हैं। तो आप लोग भी ऐसे घर में यूज कर सकते हो इसका, ये प्रोडक्ट्स वगैरह यूज मत किया करो, इससे आपके बाल खराब होते हैं। तो ऐसे आप हेयर स्टाइल कर सकते हो। सो वेल तो देखो थोड़ा बाल तो गाइज आज के लिए उतना ही, तो एंड करने का टाइम आ गया है। एंड और एक चीज, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प किया आपके बालों को स्टाइलिश करने में देन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक देन क्या कर रहे हो, मुझे सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। एंड मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, मुझे अगर फॉलो नहीं करते मुझे फॉलो करो। एंड एंड करने का टाइम आ गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पीस, हैव अ ग्रेट डे, बाय।